सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मास्टर जी को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप पा सकें सिक्के और नोटों की जानकारियां सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर जी पे। और आज हम बात करने वाले हैं 100 रुपए के इन पुराने नोटों की, जिनके पीछे महात्मा गांधी जी का चित्र बना होता है। तो इस तरह के नोटों को 60 के दशक में 2 अलग अलग गवर्नर्स के टाइम पे जारी किया गया था। और उसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे नोट के बारे में भी बताऊंगा जिसको पिछले साल 2017 में ही 3,30,000 रुपए की भारी कीमत पे बेचा गया था। और ये बात 100% सच है। तो इन सभी नोटों की पूरी और सही जानकारी पाने के लिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दें। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोट है तो उसे नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उस बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप देख सके हमारी आने वाली सारी वीडियोस को सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये सारे नोट इस एग्रीकल्चर इशू वाले नोट से पहले चलाए जाते थे। और इस डिजाइन के जो सबसे पहले नोट आए थे वो थे ये महात्मा गांधी सीरीज के नोट। और इनको जारी किया गया था 2 अक्टूबर 1969 यानी कि महात्मा गांधी की 100वीं जन्मशती पर। और ये ऐसे पहले नोट थे जिन पर महात्मा गांधी जी का चित्र बनाया गया था। तो दोस्तों, इस तरह के नोटों को 2 अलग अलग गवर्नर्स के टाइम पे जारी किया गया था, जिनमें पहले थे LK झा और दूसरे थे BN अडारकर। और दोस्तों, BN अडारकर के सिग्नेचर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गांधी सीरीज के नोटों में ही देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो 100 रुपए के नोट हो या ऐसे 5, 10 और 2 रुपए के नोट, क्योंकि BN अडारकर का कार्यकाल सिर्फ 42 दिन का ही था। तो इस महात्मा गांधी सीरीज वाले नोट के सामने की तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सफेद स्ट्रिप दिखाई देगी जिसके अंदर अशोक स्तंभ का वाटर मार्क बना हुआ है और उसके साइड में 100 रुपीज लिखा हुआ है। इसके नीचे की तरफ है इसका सीरियल नंबर जो कि रेड इंक में लिखा गया है। और इन नोटों की एक खास बात यह है कि इसका प्रीफिक्स AA से शुरू होता है और ये AA आप लोगों को सिर्फ लक्ष्मीकांत झा के नोटों में ही देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट कलर में अंकों में 100 लिखा गया है और इसके दोनों साइडों में गवर्नर के प्रॉमिस और उसके सिग्नेचर किए हुए हैं। और इसके दूसरी तरफ है अशोक स्तंभ का चित्र और यहाँ ऊपर दूसरी साइड में भी इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो इसके पीछे की तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का चित्र गीता पढ़ते हुए बनाया गया है और उसके नीचे बना हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। और इस तरफ देखे तो यहाँ पर 13 भाषाओं में 100 रुपए लिखे गए हैं। तो दोस्तों, इस नोट के साइज की बात करें तो ये नोट है 73x158 मिलीमीटर का, जो की अभी चल रहे 100 रुपए के नोटों के ही बराबर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में शायद 100 रुपए के नोटों का साइज छोटा कर दिया जाए। तो ये तो था गांधी सीरीज में LK झा का नोट। और ऐसा ही एक दूसरा नोट बना था BN अडारकर के समय में और इस नोट में जो फर्क था वो था इसका प्रीफिक्स, जो कि इन नोटों में AB था और बाकी का डिजाइन बिल्कुल पिछले नोटों की ही जैसा था। और इन BN अडारकर के सिग्नेचर वाले नोटों को जारी किया गया था 24 अगस्त 1970 को। तो दोस्तों, इन नोटों की कीमत को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसे नोट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पिछले ही साल सितंबर 2017 में टोडी वाला ऑक्शन से बिका था 3,30,000 रुपए की कीमत पर। और वो यही नोट था जो आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये नोट एक स्पेसिमेन नोट था। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेसिमेन नोट्स के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई नया नोट RBI की तरफ से जारी किया जाता है तो उसकी कुछ स्पेसिमेन कॉपीज भी बनाई जाती हैं, जिनको नए नोट की जानकारी देने के तौर पर जारी किया जाता है, लेकिन इन नोटों को आम चलन में नहीं लाया जाता है। और इस तरह के स्पेसिमेन नोट्स म्यूजियम्स या बड़े ऑक्शंस में ही देखने को मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन नोटों की कीमत के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे 100 रुपए के महात्मा गांधी सीरीज वाले नोटों की UNC कंडीशन में कीमत है लगभग 2,000 रुपए LK झा के सिग्नेचर के साथ, जबकि BN अडारकर के नोट इससे थोड़ा ज्यादा कीमती माने जाते हैं और उनकी कीमत लगभग 2,500 रुपए तक होती है UNC कंडीशन में। और ऐसे नॉर्मल कंडीशन वाले नोट आप लोगों को 500 रुपए से 1,000 रुपए के बीच में दिला सकते हैं। और ये जो प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अभी का मार्केट एस्टिमेटेड प्राइस है और आगे आने वाले समय में इन नोटों की कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके नोटों का सीरियल नंबर भी थोड़ा स्पेशल हुआ तो भी आप लोगों को उनकी बहुत ज्यादा कीमत मिल सकती है, क्योंकि कलेक्टर्स ऐसे पुराने नोटों को फैंसी सीरियल नंबर में कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। या फिर अगर आपके पास ऐसे कोई एरर वाले नोट हो, जैसे कि कोई कटिंग एरर या प्रिंटिंग एरर, तब भी उनकी कीमत आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल जाएगी। और अगर आपके पास इस तरह के नोटों का पूरा बंडल हुआ तो भी उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस तरह के नोटों के बंडल ढूंढने पे आसानी से नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई नोट है तो आप लोग उसे नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक भी जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सके इन नोटों की कीमत के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले तो नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने हुए उस घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोटों और सिक्कों से जुड़ी हुई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।